कमेंट क्वेश्चन बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में आपको लेके आए हैं क्लास 10 के कक्षा चैप्टर नंबर 1 आर्थिक संख्याओं के बारे में। अतः हमारे इस वीडियो को देखने से पहले आपको क्लास 9 के कुछ टॉपिक के बारे में आपको रिवीजन कराऊंगा कि क्लास 10 में कह सकते हैं आपको पढ़ना है इक्वल टू हम ड्रीम का आपके लेसन का नाम है वास्तविक संख्या। आपको पता तो होना चाहिए वास्तविक संख्या कहते किसे, लेसन का नाम वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं पहले इसके बारे में अवगत हो जाते हैं। तो क्लास 9 में हमने संख्या पद्धत लेसन को पढ़ा था, क्लास 9 के मैथ में चैप्टर नंबर 1 में हमने संख्या की पद्धत के बारे में पढ़ा था जिसमें संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं उसके परिचय सीखे थे। तो थोड़ा बेसिक आपको रिवीजन करा देते हैं फिर क्लास 10 के टॉपिक पे हम आते हैं। आज ही हमारा कह सकते हैं जो वीडियो रहने वाला है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 के बेसिक परिचय के बारे में जो इसकी बेसिक है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या आपको बताना चाहिए, प्राकृतिक संख्या को कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। वह संख्या जैसे मान लो हमारे पास एक बोर्ड है दो मार्कर है, हमारे पास एक बोर्ड है दो मार्कर है इसको गिनने के लिए हमने 1 2 3 4 करके स्टार्ट किया या नहीं स्टार्ट किया, कह सकते हैं वह संख्याएँ जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके कहाँ तक चली जाती है, अनंत तक चली जाती है। मतलब हमारे कहने का मतलब है अनंत उसको इन्फानाइट कहते हैं या अनंत भी कह सकते हैं। तो अनंत का मतलब क्या होता है, संख्याई क्यों कह सकते हैं कोई लिमिट नहीं, संख्याओं का कोई लिमिट नहीं, वो 10 के बाद लाख हजार सौ करोड़ अरब नील खरब सब चले जाएंगे उसके बाद। कह सकते हैं वह संख्याएँ जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, उसी के बीच में 10 आ गया, 100 आएगा, 1000 आएगा, लाख आएगा, करोड़ आएगा, अरब आएगा, सभी संख्याएं आ जाएंगी, तो उसी को क्या कहेंगे प्राकृतिक संख्या कहेंगे। इतना क्लियर? आपसे पूछा है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आप कहोगे वह संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्लियर? अब आप देख लीजिए हमारे पास भी दो मार्कर थे तुमने गिना, अब मान लीजिए हमारे पास एक भी मार्कर नहीं तो आप क्या कहोगे, कुछ नहीं है मतलब जीरो, तो हमको कह सकते हैं जीरो की आवश्यकता पड़ी इसलिए कह सकते हैं पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या हम कह सकते हैं वह संख्याएं जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी कह सकते हैं अनंत तक चली जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक। आपको प्रकृति को पूर्ण में एक ही कह सकते हैं डाउट रहेगा उसको सॉल्व कर लीजिए, प्राकृतिक संख्याएं हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं हमेशा 0 से स्टार्ट होती हैं। आपसे पूछा जाए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आप कहोगे वह संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत या इनफाइनाइट तक जाती हैं उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या कहा जाए तो आप कहोगे वह संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत या इनफाइनाइट तक जाती हैं उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। इतना क्लियर? पूर्ण संख्या को होल नंबर्स कहते हैं, इतना क्लियर होना चाहिए। अब आता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को कह सकते हैं इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर नंबर्स। सबसे पहले हम देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अभी हमने देखो जीरो से यहाँ तक संख्या सीखी, धनात्मक संख्या सीखी, सभी अभी तक हमने सभी दोनों के दोनों धनात्मक संख्या सीखी, भी तो ऋणात्मक भी तो संख्या होती है। तो मान लेते हैं ये हमारा कह सकते हैं एक संख्या रेखा है जिसमें हमारी संख्या है बीच में क्या है जीरो, फिर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके ऐसे अनंत तक चला जाएगा, इसको क्या कह सकते हैं अनंत। फिर देखिए इधर के बाद क्या आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये भी कहां तक चला जाएगा, ये माइनस अनंत तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा माइनस अनंत। आपसे कभी पूछा जाए कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो आप कहोगे वह संख्याएं जो माइनस अनंत से स्टार्ट होके प्लस अनंत तक जाती हैं और उसके बीच में धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और उदासीन ये तीनों संख्याएं आती हों तो उसी को पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो सुनिए आपसे कभी पूछा जाए कि आप बताइए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो आप कहोगे वह संख्याएं जिसके बीच में धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और उदासीन ये तीनों संख्या अगर आती हूँ तो उसी को पूर्णांक संख्या कहेंगे। इतना क्लियर? आप देख सकते हो इधर 1 से स्टार्ट होके अनंत तक गई उसको धनात्मक संख्या कहा गया, -1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक आई उसको ऋणात्मक संख्या कहा, और बीच में जो संख्या होता है ना उसमें धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है वो उदासीन होता है, मतलब कोई भी चार्ज उसके ऊपर नहीं होता।
आशा है कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा आता है आखिरी टॉपिक, कह सकते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या आपको जानने के लिए सबसे मेन पॉइंट है इन तीनों को क्लियर होना चाहिए, क्लियर है ऐसा होगा। फिर देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या होने के लिए जैसे आपको बताते हैं, आपसे कभी पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, तो आप कहोगे मेरा नाम सोहन, मोहन, रीता, नीता, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं बताऊँ मेरा नाम सूरज कुमार दुबे, आपसे मैं पूछूं कि मेरा नाम सूरज कुमार दुबे कैसे है, मुझे कैसे बताओ, तो आपका टॉपिक होगा यही। आप यही कहोगे कि आपके मम्मी पापा ने आपका नाम रखा है इसलिए आपका नाम यही होगा। तो हम कह सकते हैं मम्मी पापा ने रखा है तो ठीक है, लेकिन आपके नाम के पीछे तीन रीजन है। पहला तो आपके मम्मी पापा ने आपका नाम रखा, दूसरा तो आपके आस पास वाले भी उसी नाम से आपको पुकार रहे हैं, और तीसरा नंबर कह सकते हैं आपके सरकारी चीज़ में कोई भी, जैसे आधार कार्ड, मार्कशीट, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आपका नाम वही है। तो आपके नाम के पीछे भी तीन कह सकते हैं रहस्य छुपे हुए हैं कि तीन नाम वजहों की वजह से आपके नाम ही हैं। जैसे मेरा नाम मेरे घर वाले ने रखा, आसपास वाले उसी नाम से पुकार रहे हैं, आप भी उसी नाम से पुकार रहे हो, और कह सकते हैं हमारे सरकारी में मार्कशीट में, आधार कार्ड में, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें कह सकते हैं सूरज कुमार दुबे। तो आपको कह सकते हैं जो परिमेय संख्या होता है उसके होने के लिए भी तीन नियम हैं। अभी तीनों नियमों को हम जानते हैं क्या क्या तीन नियम हैं। सबसे पहला हमारा नियम है जैसे हमारे घर वाले ने हमारा नाम रखा, वैसे कह सकते हैं इनके घर वाले भी इनका नाम रखते हैं। कहते हैं अगर कोई संख्या हमारी पी बटा क्यू, मतलब कह सकते हैं अंश और हर के रूप का लिखा है, के रूप का लिखा है, फिर से सुनिए, अगर कोई संख्या हमारी अंश और हर के रूप का लिखा है तो हमारी पहले सत्य कह सकते हैं हमारे नियम के पीछे मम्मी पापा ने नाम रखा था, वैसे ही इसके भी मम्मी पापा ने नाम रखा कि जो अगर संख्या परिमेय संख्या होगी तो उसको कह सकते हैं पी बटा क्यू अंश और हर, जैसे हम कह सकते हैं 3/5। तो आप देख सकते हो ये 3/5 हमारा क्या है, ये ऊपर का अंश है, नीचे का क्या है हर, तो उसके रूप का लिखा है कि नहीं लिखा। दूसरा देखिए क्या है, जैसे आपके कह सकते हैं आसपास वाले भी उसी नाम से पुकारते हैं आपको, तो ऐसे परिमेय संख्या में कह सकते हैं दूसरा नियम हमारा है कि जो हमारी P और Q, या कह सकते हैं अंश और हर, क्या होने चाहिए, कह सकते हैं पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये पूर्ण संख्या हो। सुनिए हमने कहा जो हमारे P और Q हैं, कह सकते हैं हमारे जो P और Q हैं वो कह सकते हैं अंश और हर हमारी क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए आपकी 3 और 5 यही तो पूर्ण संख्या है, तो जो अंश और हर हैं हमारे P और Q कह सकते हैं पूर्ण संख्या होनी चाहिए। सबसे मेन पॉइंट आखिरी टॉपिक, जैसे हमने कहा सरकारी लेवल में आपका नाम वही है, वैसे इनका भी सबसे आखिरी पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तीसरा चीज है कि जो हमारा Q है, या कह सकते हैं हर, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये हमारा कह सकते हैं कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, अगर शून्य हो गया तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। अब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं अगर कोई संख्या पी बटा क्यू अंश और हर के रूप का लिखा है। दूसरा नियम है कि पी और क्यू अंश और हर क्या होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और तीसरा नियम क्यू क्या है, कभी जीरो नहीं होना चाहिए। इसे देख सकते हो हमारा क्यू जो है कभी जीरो नहीं है, या 5, तो ये क्या हो जाएगी परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा जानकारी थोड़ा विस्तार से लेते हैं। अगर आपसे कहें 1/0 लिखा है तो ये बताओ परिमेय है कि नहीं परिमेय, तो आप कहोगे ये संख्या देखो पहला नियम क्या है पी बटा क्यू अंश और हर का रूप का लिखा है, कहोगे लिखा है। दूसरा कहोगे अंश और हर क्या पूर्णांक संख्या, तो आप कहोगे अंश और हर आपकी पूर्णांक संख्या है। लेकिन तीसरा नियम देखोगे तो क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, हर जीरो नहीं होना चाहिए, हर जीरो होगा तो ये हमारी क्या होगी परिमेय संख्या नहीं होगी ना, क्लियर। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अब बताइए परिमेय है क्या परिमेय है, तो आप कहोगे देखो पी बटा क्यू अंश और हर के रूप का लिखा है, तो कहोगे अंश और हर का रूप का लिखा है। फिर देखोगे तीसरा नियम कि हर हमारा जीरो नहीं है, तो कहोगे हर जीरो नहीं है। फिर दूसरा नियम देखिए कि पी और क्यू अंश और हर पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, आप देखोगे हर तो पूर्णांक संख्या है लेकिन अंश पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि अंडर रूट 3 दिया है, अंडर रूट 3 आपको इस संख्या में कहीं नजर नहीं आएगी, इसलिए क्या हो जाएगा आप परिमेय संख्या, क्लियर। आशा है कि सत्य परिमेय संख्या आपको क्लियर समझ में आ गया। और एक चीज बता देते हैं, अंडर रूट की जितनी भी संख्याएं होती हैं
सभी तो कर सकते हैं, प्रमेय नहीं होती हैं, कर सकते हैं, लेकिन जो प्रमेय संख्याएं होती हैं, अगर अंडर रूट के अंदर आपको पता होना चाहिए 1, 4, 9, 16, मतलब कह सकते हैं जिसका 2 का जोड़ा बनता है, सॉरी 4 का कह सकते हैं 4 है, अंडर रूट 2 × 2 बनता है, इसका जोड़ा निकलता है 2 बाहर निकलेगा, इतना क्लियर। जिसका हमारे अंडर रूट के अंदर डबल जोड़ा बनता है, सर 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25 जोड़ा बनेगा तो प्रमेय कहलाएगा, और सभी कह सकते हैं अंडर रूट की संख्या क्या कहलाती है, अपरमेय, इतना क्लियर होना चाहिए। और कह सकते हैं जो पाई होता है वो भी अपरमेय होता है, लेकिन 22/7 होता है, कहोगे अपरमेय होगा, लेकिन उसको हम सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं। और देखिए क्या है, अति है परमेय संख्या, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन होते हैं, कहा जाए ये 3 लिखा हुआ है, 3 बताइए हमारे परमेय है क्या परमेय, तो आप देखोगे पहले पी वटा क्यू के रूप का नहीं लिखा, तो आप कहोगे पी वटा क्यू के रूप का नहीं लिखा इसलिए अपरमेय हो जाएगी, नहीं, किसी भी संख्या को आप 1 से गुणा कर सकते हो तो उतना ही रहेगा, और 1 से भाग भी कर सकते हो तो 3 ही रहेगा, कह सकते हैं उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसके नीचे अपने मन से हम 1 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा P बटा क्यू के रूप का लिखा जा सकता है, P और Q कह सकते हैं हमारे पूर्णांक संख्या भी हैं, और Q 0 नहीं, इसलिए क्या हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी, क्लियर। अब देखिए नीचे लिखे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या हम कहेंगे वह संख्या है जो परिमेय संख्या के हमारे नियम का पालन नहीं करती है, अपरिमेय संख्या कहेंगे, देखिए वह संख्या है जो परमेय संख्या के नियम का पालन नहीं करती, ध्यान से देखिए वह संख्या है जो परमेय संख्या के नियम का पालन नहीं करती, आप परमेय संख्या कहलाएंगे, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे देखो हमने कहा था पी बटा क्यू के रूप का लिखा होना चाहिए, लिखा है पी और क्यू कर सकते हैं पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, हुआ, लेकिन क्यू 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ क्यू 0 हो गया है ना, तो दैट क्या हो गया अपरमेय, पी बटा क्यू के रूप का लिखा होना चाहिए, लिखा है क्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्यू 0 है नहीं है, पी क्यू पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, हम कह सकते हैं पी पूर्णांक संख्या नहीं है इसलिए अपरमेय हो गए, तो कह सकते हैं वह संख्या है जो हमारे परमेय संख्या के नियम का पालन नहीं करती है, अपरमेय संख्या कहलाएंगे, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब आता है हमारा लेसन का नाम जो क्लास 10 में है, वास्तविक संख्या कहते हैं इसे किसे, तो आप कहोगे वह संख्याएं, वह संख्याएं जो परमेय और अपरमेय कह सकते हैं, क्या है हमारा अपरमेय, देख सकते हो सकते हैं वह संख्या है जो हमारे परमेय और अपरमेय से मिलकर बनती हैं, उसी को क्या कहते हैं वास्तविक संख्या, अपरमेय से मिलकर बनती है, कह सकते हैं वह संख्या है जो परमेय और अपरमेय से मिलकर बनेगी, उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं, आशा है कह सकते हैं हमारे इस चीज क्लियर चीज को क्लियर हो गया होगा, एक बार हम थोड़ा जल्दी रिविजन कर देते हैं, क्लास 10 के बेसिक परिचय पे आते हैं। सबसे पहले देखिए प्राकृतिक संख्या, वह संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, उसको कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या वह संख्या है जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, उसको क्या कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आता है पूर्णांक संख्या, कह सकते हैं वह संख्या जो माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट तक जाती हो, उसके विषय धनात्मक ऋणात्मक और उदासीन ये तीनों संख्याएं आती हो, उसी को पूर्णांक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहोगे वह संख्या है जो पी बटा क्यू के रूप का लिखी हो, अंश और भाग के रूप का लिखी हो, जैसे 3/5, कह सकते हैं पी और क्यू अंश और भाग क्या होने चाहिए पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, आप देखो कि अंश और भाग हमारे पूर्णांक संख्या है। फिर देखोगे हमारा तीसरा नियम क्या है, क्यू जो उसका हर है कभी 0 नहीं होना चाहिए, देख सकते हो क्यू 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगी। अब परिमेय संख्या वह संख्या है जो परिमेय संख्या के नियम का पालन नहीं करती, वही यहाँ परिमेय संख्या कहलाती है, इतना क्लियर होना चाहिए। फिर देखिए क्या है वास्तविक संख्या, वह संख्या है जो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती है, उसी को कहते हैं कह सकते हैं वास्तविक संख्या। अब आप बताइए इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, अगर ना समझ में आया तो कमेंट करके अवश्य बताएं,
क्लास टेंथ के टॉपिक पे हम चलते हैं जिसका नाम है इक्विटी विभाजन परिवेजन। उससे हम सीखेंगे और कुछ सवालों को लगाना सीखेंगे। चलिए ठीक है, इसको बिठाते हैं। आपको नोट करना हो या स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले लीजिए। आप देख सकते हो हमने इक्वल टू विभाजन परिवेजन लिख दिया है और इसकी कह सकते हैं परिभाषा और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जिससे आपको समझाऊंगा कि इक्वल टू विभाजन परिवेजन होती क्या है। ये हमारे क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक है जो बेसिक है। आप क्लियर से समझना और जहाँ आपको ना समझ में आए आप जरूर कमेंट करके बताना। मैं आशा करूँगा कि आपको पूरा समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से एक विभाजन परिवेजन उसका नाम है। लिखा क्या है, दो धनात्मक गुणांक, दो धनात्मक गुणांक ये और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है जो कि कह सकते हैं ये बराबर बी क्यू प्लस आर और कह सकते हैं जीरो और लिखा है बड़ा का निशान, कह सकते हैं आर का मान जीरो से बड़ा है या जीरो उसके बराबर भी हो सकता है और आर हमेशा कह सकते हैं बी से छोटा है। आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ। चलिए एग्जाम्पल के कह सकते हैं, आपको समझाते हैं कि एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले आपको बता, मुझे भाग करना तो आता ही होगा कि 7 का टेबल हमको इतना बार पढ़ना है कि 24 से ज़्यादा ना हो, 24 से कम हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए 7 3 या कितना होता है 21 में से आप 20 कह सकते हैं 1 घटाओगे कितना बचेगा 3 ही बचेगा ना। इधर देखिए 5 का टेबल पढ़ेंगे 16 से ज़्यादा ना जाए तो 5 3 या कितना होता है 15 होता है, यहाँ कितना है 1। 4 का टेबल पढ़िए कि 24 से ज़्यादा ना जाए, कह सकते हैं 4 6 कितना हो गया हमारा 24, ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0। अब आप देखिए, आप सोचिए तो कि 6 को 5 से भाग करना है और हमको ऐसे भी करना है कि दशमलव में ही नहीं आना चाहिए, दशमलव में हमको नहीं ले जाना है, तो हम क्या करेंगे हमेशा देख सकते हो अगर हमारा टेबल लिखा होता तो हम कह सकते हैं टेबल ऐसे पढ़ते हैं 6 1 6। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले भी तो कोई संख्या आती है तो हम कह सकते हैं यहाँ 6 का टेबल 0 बार पढ़ोगे तो 0 होगा और कितना आ जाएगा 5, ये भी तो हो सकता है। आप देखिए इसको लिख कह सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये बताओ 24 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो 24 बराबर 7 × 3 कह सकते हैं 7 × 3 प्लस क्या आया शेष फल 3। आपको पता होना चाहिए कि 24 को तो ऐसे हम लिख सकते हैं ना 7 3 21 और 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 लिख सकते हैं ना। इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं 16 बराबर 5 × 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, 5 3 15 और कितना हो गया 16। इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं 24 बराबर 4 × 6 और प्लस 0 क्योंकि आप 4 6 24 हो जाएगा तो उसमें कोई जोड़ना ही नहीं, आप जीरो जोड़ दो विशेष प्लस। इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं 5 बराबर कह सकते हैं 6 × 0 प्लस 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कौन भी लिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसको एक तरीके से हम लिख लिख सकते हैं। इसमें जो ये बताया गया है ये आपका क्या होता है, ये हमारा भाजक होता है, क्या होता है भाजक, इसको हम दर्शाते हैं V से। आप छोटी क्लासों में इसको भी पढ़े होंगे, इसको क्या कहते हैं भागफल, इसको हम दर्शाते हैं Q से, इसको क्या कहते हैं शेषफल, इसको हम दर्शाते हैं R से और जो ये 24 बचा है उसको कहते हैं भाज्य, क्या कहते हैं भाज्य, इसको हम दर्शाते हैं V से। तो आप देख सकते हो यहाँ 24 क्या है भाज, उसको किससे दर्शाते हैं ये से, तो 24 है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं ये बराबर लगाइए 7, यहाँ क्या है 7, यहाँ क्या है भाजक, भाजक को क्या लिख सकते हैं बी, गुणा का निशान है गुणा का निशान लगाइए, कह सकते हैं यहाँ 3 है, 3 कितना है 3 भागफल है तो भागफल को क्या लिख सकते हैं क्यू प्लस शेषफल क्या है आर, शेषफल आर ही तो है तो इसको आर लिख सकते हैं। आप देख सकते हो कि हमारा इक्वल टू विभाजन परिवेजन बन चुकी है, बन चुकी नहीं बन चुकी, इसको मैं स्पष्ट लिख भी सके तो लिख सकते हैं भाज बराबर भाजक गुणे
भागफल प्लस शेषफल लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये भाजी तो है, 24 भाज्य, 7 भाग भाजक है, 3 भागफल है और शेषफल इतना है, तो लिख सकते हैं ना। और देखिए इसको ये वैसे लिख सकते हैं ना, आपको बता होना चाहिए कि ये बराबर v इंटू क्यू प्लस आर लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये आपका क्या देखोगे तो आपका भाज्य है, v क्या है भाजक, q क्या है भागफल और शेषफल क्या है वर्ग, इतना क्लियर तो कर सकते हैं सभी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एक मुख्य चीज देखिए आप इसको तो समझ गए कि कह सकते हैं कि हमारा क्या है भाज बराबर भाजक गुणे भागफल इंटू शेषफल। अब ये क्या होता है तो आपको हमने बताया कि जो हमारे r का मान होता है, आपको पता होना चाहिए r का मान जो होता है हमेशा कह सकते हैं 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। आप देख सकते हो r का मान हमारी यही तो है, r का मान देख सकते हो 0 से यहाँ 3 आ रहा है, 0 से बड़ा है, r का मान 1 आ रहा है तो 0 से बड़ा, r का मान 0 भी आ रहा है, r का मान 5 आ रहा है, कह सकते हैं जो r है हमारा शेषफल वो शेषफल आपका 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन दूसरी पॉइंट देखिए आप कह सकते हैं जो r है वो देखोगे आपका b हमेशा r से कह सकते हैं बड़ा है, b जो है r के मान से बड़ा है। देखिए ये आपका क्या है b, ये b, ये b, ये b, r का मान यहाँ 3 आया, r का मान यहाँ कह सकते हैं b 3 आया, b का मान 7, b मतलब r से बड़ा है, देख सकते हो b यहाँ पे जो है इस r से बड़ा है क्योंकि r का मान 3 और b का मान 7 है। यहाँ भी देखो b का मान 5 है, r का मान 1 है, b का मान 4 है, r का मान 0 है, b का मान 6 है, b का मान 5। इससे आपको पता लग गया होगा कि b जो है हमेशा बड़ा रहेगा और r छोटा रहेगा, तो इसको हम इसको दोनों कंबाइन करके समीकरण 1 को और समीकरण 2 मान के इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो r है हमारा वो कह सकते हैं सॉरी कह सकते हैं एक मिस्टेक हो रही है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो 0 है हमारा वो बड़ा हो जाएगा r और ये कह सकते हैं v, इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ लिखा था कि जो r का मान है वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो b है वो हमेशा r के मान से बड़ा रहेगा, ये हमारा बेसिक था, क्लियर। आप लिख देखिए ध्यान से, दो धनात्मक गुणांक ये और b, ये और b देख सकते हो, ये और b कहाँ है, ये आपका यहाँ पे है और b यहाँ, 7, 24, 5, 16, 4, 24, 6, 5 सभी ये और b हैं और धनात्मक लिखे हुए हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। पर रहने पर आद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R आप देख सकते हो, यहाँ आपके पूर्ण संख्या 3 प्राप्त हुई है, पूर्ण संख्या 1 प्राप्त हुई है और पूर्ण संख्या 0 भी प्राप्त हुई है, पूर्ण संख्या 5 भी प्राप्त हुई है। अभी हमने पीछे बताया था कि पूर्ण संख्या वह संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, विद्यमान है, जो कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर कह सकते हैं 0 से बड़ा आर का मान है और बराबर भी हो सकता है लेकिन आर से हमेशा भी बड़ा रहता है। ये बेसिक था, अब एक दो क्वेश्चन बता देते हैं, फिर आज का वीडियो हमारा इतना ही रहेगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। आप देख सकते हो हमने एक ओल्ड परिप्रेक्ष्य की सहायता से ये एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दो एग्जांपल लिखे हैं और बहुत आसान के तरीके से आसानी से इसको हम सीखेंगे कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज में दिया हुआ है, इससे भी याद करने के लिए इसका फुल फॉर्म होता है हाई कॉमन फैक्टर, हाई कॉमन फैक्टर कह सकते हैं, हमको सबसे उच्चतम संख्या ज्ञात करनी है, तो देखो कि इसको आपको एचसीएफ ज्ञात करना है 2 और 19, तो 2 को आप क्या करोगे 19 से भाग करोगे, 19 से भाग करोगे तो जानते हो 2 का टेबल पढ़ना है 19 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 9 कितना होता है 18, घटाओगे कितना हो जाएगा 1, इसको देखो। और देखो जब तक इसका मान हमको 0 ना प्राप्त हो जाए तब तक भाग करते रहना है, तो फिर क्या करना है 1 को हम किससे भाग करेंगे अपनी इस 2 से, तो 2 से भाग करेंगे तो आपको पता है 2 1 कितना होता है 2 होता है, ये क्या आ जाएगा 0। इसको भी देखिए 4 को किससे भाग करना है 30 से, आपको पता होना चाहिए 4 7 कितना होता है 28 होता है और कह सकते हैं 2। अब 2 को हमको भाग करना है इस 4 से, जब तक उसका मान 0 ना हो जाए तब तक लेके चलता है, तो 2 2 कितना होता है 4 होता है, तो आपको पता हो जाएगा क्या हो जाएगा 0।
यहाँ कह सकते हैं 12 जगह कितना होता है, गलती हो गई है, 12 जगह कितना होगा 12, क्लियर। लेकिन 1 का टेबल पढ़ना है तो 1 का टेबल पढ़ना है तो 12 जगह कितना होगा 12। अब देखिए ध्यान से, इसको हमको एचसीएफ याद करना है, एचसीएफ कैसे लिखेंगे, तो अभी हमने कह सकते हैं इसके नियम क्या सीखा था, ये बराबर वी क्यू प्लस आर, मतलब कह सकते हैं भाज बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, इस रूप में लिख दीजिए, आप कह सकते हैं एचसीएफ पता लग जाएगा, जो आपका आखिरी में जीरो आएगा और भाजक रहेगा बी रहेगा वही एचसीएफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, ये क्या है हमारा भाज, कह सकते हैं भाज कितना है, ये हमारा क्या है भाज, ये क्या है भागफल, ये क्या है भाजक और ये क्या है शेषफल, इसको हम कह सकते हैं भाज को ये से दर्शाते हैं, भाजक को क्यू, भागफल को क्यू से दर्शाते हैं, भाजक को कह सकते हैं पी से दर्शाते हैं, पी से नहीं बी से दर्शाते हैं और आर को हम कह सकते हैं शेषफल को आर से दर्शाते हैं। देखिए लिखेंगे कैसे, पहले नंबर पॉइंट पे देखेंगे आप तो आपको क्या नजर आएगा, भाज इसमें जो है 19, तो आप क्या लिखोगे 19 बराबर, यहाँ देखोगे भाजक, भाजक क्या है 2, तो 2 लिखोगे, भागफल कितना है 9, तो आप क्या लिखोगे 9 प्लस, प्लस ही तो है, शेषफल कितना है 1, तो क्या लिखोगे 1, लेकिन 1 का मान जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपका कह सकते हैं एचसीएफ निकलेगा नहीं। फिर दूसरे पॉइंट पे देखोगे भाज हमारा यहाँ 2 हो गया है, हम 2 लिखेंगे, आप कह सकते हैं भाजक क्या है, भाजक 1 है, देखोगे कह सकते हैं भागफल कितना आ रहा है 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा और शेषफल कितना आ रहा है 0, कह सकते हैं इसका जो एचसीएफ होगा आपको पता होना चाहिए, जो भाजक होता है ये हो जाएगा एचसीएफ, क्लियर। उधर भी देखिए भाज कितना है इसमें 30, तो 30 लिखोगे, भाजक क्या है 4, तो 4 लिखोगे, भागफल कितना आया 7, शेषफल कितना आया है तो आप देखोगे यहाँ 2 आया है तो 2 लिखोगे, आज तक इसका अपन 0 नहीं होगा तब तक आप लेके चलोगे, यहाँ देखोगे भाज क्या है 4, भाजक क्या है 2, भागफल कितना है 2, शेषफल 0, तो इसका कह सकते हैं एचसीएफ जो होगा आपको पता होना चाहिए 2 हो जाएगा। आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, आज के लिए इतना ही, अगले दिन कर सकते हैं उसके एग्जांपल पे लेसन के आएंगे, इन लेसन के बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। जय हिंद जय भारत।